नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है श्री गंगानगर से, जहां इलाहाबाद बैंक से पिस्तौल के नोक पर 4,50,000 रुपये लूट लिए गए। लूट की यह घटना पुरानी आबादी ट्रक यूनियन पुलिया के पास स्थित इलाहाबाद बैंक में आज सोमवार शाम लगभग 4:30 बजे हुई। मिली जानकारी के अनुसार एक नकाबपोश युवक बैंक में आया और महिला कैशियर के पास सीधा चला गया। वहां महिला कैशियर को पिस्तौल दिखाते हुए रुपए बैंक में डालने के लिए कहा। डर के चलते महिला ने रुपए जो लगभग 4.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं वो उसके बैग में डाल दिए। युवक ने रुपए बैग में डालने के बाद सभी बैंक स्टाफ जो 7 जनों का था को बैंक के स्ट्रॉक रूम में बंद किया और बाहर से दरवाजा बंद करके फरार हो गया। सूचना मिलने पर सभी पुलिस थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की। समाचार लिखे जाने तक पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी थी और CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।